अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको जहाँ भी रखे खुश व आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके लिए एक नया व्लॉग लेकर आई हूँ। आज के व्लॉग में मैं सहरी की रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे बस सहरी में पता इतना टाइम होता नहीं है, बस जल्दी जल्दी में काम करना पड़ता है, तो इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बन सकती, तो बस थोड़ी बहुत जो बन जाती है। तो ये बस चाय यहाँ पे बन रही है, और यहाँ पे पराठा और रोटी, जिसने रोटी खानी होती है उसके लिए रोटी बना रहे हैं, जो पराठा खाता है उसके लिए पराठा बना रहे हैं। तो बस, और आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? यहाँ पे तो बस इंग्लैंड में छुट्टियाँ हैं बच्चों को स्कूल से, ये लास्ट वीक है, नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह स्कूल खुल जाएंगे, तो इसलिए थोड़ी सी बिज़ी रूटीन है और पूरा दिन बस बिज़ी बिज़ी गुजरता है। ये देखिए वेदर कितना अच्छा है, थोड़ा बेहतर था वेदर तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर दूं। कभी धूप, कभी हवा, कभी बारिश, बस ये कुछ चल रहा है। तो ये कुछ बर्तन थे धोने वाले, तो वो मैंने वॉश कर लिए, बस थोड़ी क्लीनिंग वगैरह की। फिर उसके बाद मुझे कोई ऑर्डर मिला था 20 लोगों के लिए, मैंने बिरयानी बनाई, 5 किलो बिरयानी बनाई माशाल्लाह, तो बहुत पसंद की सबने। और ये मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर लूं। तो यहाँ पे मैंने पोटैटोस थोड़े से बॉईल करके तो इनको फ्राई कर लिया था हल्का हल्का, इससे बहुत अच्छे कुक हो जाते हैं और गल भी जाते हैं और उनका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा नमक और मिर्च वगैरह ऐड कर लें इसमें आप। तो ये बिरयानी का मसाला यहाँ पे तैयार हो रहा है। तो रेसिपी तो मैंने आपसे शेयर नहीं की, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा आपसे इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर नहीं कर रही। तो पोटैटोज़ मैंने जब बिरयानी की लेयर्स बनाई थी ना, तो उस वक्त ऐड किए थे। मैंने जो है ना इसको मसाले में ऐड नहीं किया, फिर वो बिल्कुल टूट जाते हैं और उनका मज़ा भी नहीं ज़्यादा आता। अब तो आप लोगों ने ईद की तैयारियां भी शुरू कर दी होंगी, बस थोड़े से रोज़े रह गए हैं। अल्लाह ताला कबूल करे हमारी दुआएं, हमारे रोज़े, बस दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करे, आमीन। तो ये बस बिरयानी का ऑर्डर था, साथ में मुझे कोफ्ता करी का ऑर्डर था, तो वो भी मैंने बनाई, वो भी आगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये फ्राई होकर कितना अच्छा कलर आया इनका। और यहाँ पे मैं राइस बॉईल कर रही थी, और ये कुछ साबुत गरम मसाले ऐड किए हैं इसमें मैंने, इससे राइस का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो ये लाजमी ऐड किया करें, नमक भी और कुछ ये साबुत गरम मसाले हैं, और ये ऐड करके ना तो फिर इसको बॉईल कर लें बस। फिर ये देखिए यहाँ पे मैं इसको लेयर्स बना रही हूँ, तो पहले मैंने चावल डाले, फिर मैंने मसाला डाला ऊपर, और पोटैटोज़ और ये धनिया पुदीना हरी मिर्चें लेमन वगैरह ऐड कर लें, जितना आपको जो जो चीज़ें पसंद हैं आप उतनी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बनी थी माशाल्लाह, जिन्होंने ऑर्डर दिया था उन्होंने बहुत पसंद की और उन सबको बहुत पसंद आई माशाल्लाह। तो ये फूड कलर भी थोड़ा थोड़ा ऐड कर दें, इससे किसी किसी दाने पे आता है कलर, किसी पे नहीं, तो ये फिर बहुत अच्छी लगती है इस तरह माशाल्लाह। Thank you.
लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने बोला था कि वो आलू और कीमे की टिक्की की रेसिपी शेयर कर दूँ आपसे, तो इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में उसकी रेसिपी शेयर करूँगी ज़रूर। थैंक यू सो मच, आपने मेरा वो व्लॉग बहुत पसंद किया। आपकी सपोर्ट चाहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।